कवरेज लगातार जारी है भारत समाचार पर। नोएडा अथॉरिटी का पाप आज होगा ध्वस्त, आरडीएक्स से उड़ाया जाएगा अथॉरिटी का पाप। तो बिल्डर से घूस खा करके बनवाया था ये टावर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर का ये पाप। तो ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू, सबसे बड़े धमाके के लिए पूरी हो गई है तैयारी। मिट्टी में मिल जाएगा नोएडा का महापाप। दोपहर 2:30 बजे गिरेंगे सुपर टेक के दोनों टावर। तो 11 बजाए और 2:30 बजे का वो वक्त है जब 9 से 12 सेकंड में, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हालांकि भारत के लिए अलग ये पहली तरीके का प्रैक्टिकल है, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, 9 से 12 सेकंड में ढेर हो जाएंगे 32 मंजिला टावर। हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया हुआ है और ट्विन टावर के पास का जो इलाका है वो धमाके के समय पड़ोसियों को घरों से दूर रहने की फिलहाल हिदायत दी गई है। और टावर के आसपास चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, आसपास की सोसाइटी के लोग फिलहाल शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन जो जानकारी है ये ट्विन टावर की, सभी कनेक्टिंग की सभी रोड होंगी बंद कर दी गई है। फिलहाल गूगल मैप में भी 28 अगस्त को करेगा डाइवर्जन इस तरीके से, क्योंकि पुलिस के साथ उसका टाई अप हुआ है। 1 घंटे तक बंद रहेगा नोएडा रेनो एक्सप्रेस। और इस वक्त डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन। डीके गुप्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार तमाम सारी तैयारियां हैं, लेकिन लोगों के मन में जो उत्सुकता है और इसी बीच लोगों के मन में जो डर भी है, फिलहाल मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे सिनेरियो को लेकर के, घटनाक्रम को लेकर के जरा। देखिए, जो ट्विन टावर आज 2:30 बजे ब्लास्ट हो रहा है, जो उसका डिमोलिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं ला सकता है। खास करके हेल्थ समस्याएं आ सकती हैं, उन सबका हमें ध्यान रखना चाहिए। खास करके ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, सांस के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन ज्यादा रखनी है। इवन जो नॉर्मल दूसरे ह्यूमन बींग्स हुए, एडल्ट हैं जिनको बिल्कुल हेल्दी है, उनको भी दिक्कतें हो सकती हैं, बिकॉज थोड़ी देर के लिए पॉल्यूशन लेवल बढ़ सकता है। इवन जिसमें दो तरह के पॉल्यूशन होंगे, एक नॉइज पॉल्यूशन होगा जो लग रहा है कि 150 डेसिबल तक जा सकता है। नॉर्मली जो 50 डेसिबल तक होती चीजें वो ठीक रहती है, तो उसकी वजह से हेडेक है, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, या इरिटेशन है, या कान का सुनाई कम पड़ना, ये सब चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बाद में एयर पॉल्यूशन की संभावना है, अगर हवा जैसे आज तेज चल रही तो कम है, लेकिन फिर भी एयर पॉल्यूशन की संभावना है, अगर उसकी वजह से भी आसपास के लोगों में धूल मिट्टी की वजह से सांस की दिक्कत है, कफ है, कोल्ड है, नाक बंद होना, स्नीजिंग होना, स्किन में रैशेस हो जाना, खुजली होना, आंख में लालापन होना, रेडनेस होना, नेजल ब्लॉकेज होना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या किसी को प्रीमैच्योर लेबर पेन से स्टार्ट हो सकते हैं, बच्चे छोटे हैं उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए खास करके यहाँ पे अभी नोएडा का नाम है अथॉरिटी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। कल हम लोगों ने भी फिलिक्स हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ हॉस्पिटल घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी अगर अनहोनी होती, चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी अनहोनी होती है तो हम लोग बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं। हमारे इमरजेंसी की टीम है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, एम्बुलेंसेस हैं, उनकी फ्लीट बिल्कुल रेडी है। सारे डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, इंट्री बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता जी आपने बताया कि आपके अस्पताल में सभी तरीकों की व्यवस्थाएं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो क्रॉनिक डिजीज है, जिनको लेकर के किडनी को लेकर के अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी, उनको किस तरीके से खास सतर्कता बरतनी है, खास करके जो आसपास के इलाके हैं, जो वहां पर अब थोड़े समय बाद, एक दो दिन बाद ही सही रहने जाएंगे वहां पर, जरा मैं चाहूंगा। बिल्कुल, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो सकता है, जब भी हम देखते हैं इस समय करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का वो 100 के आसपास है। 100 का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्सेप्टेबल मानते हैं हम लोग, इससे ज्यादा होता है तो खतरनाक हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए, प्रॉब्लम से, और खास करके 150 से 200 तक भी जो होता है उसमें जो अनहेल्दी है, अगर 200 से 300 जाता है तो ये 1000 है, अगर 300 से ऊपर तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जैसा। तो इसलिए खास से ऐसे लोग जो स्वास्थ्य बीमार है, बच्चे, जैसे मैंने बताया आपको, इन लोगों को प्रोटेक्शन रख दीजिए, घर के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, बाहर ना जाएं,
कम से कम तो धूल मिट्टी कम नहीं होती है, या जो बाहर रह रहे हैं वो दोबारा इस एरिया में जब ना करें, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव नहीं करता है, अपना घर जाना पड़ता है अगर घर से बाहर, तो मास्क लगा के रखें, गोगल्स लगा के जाएं, स्किन मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन स्किन लगाएं, अगर किसी को कोई नए सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चेस्ट पेन हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस आ रही है, स्किन में चकत्ते हो रहे हैं, आंखें लाल होने, तुरंत डॉक्टर किसी को हल्के से कुछ लग रहा है, कुछ लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि भारत समाचार के जरिए दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत लग रही तो आपके अस्पताल में कैसे जाएं और वहां पर किस तरीके से क्या कुछ प्रावधान है, जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों। बिल्कुल, हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी लाइन खुली है, नंबर है 7835999444 और 555777। आप किसी टाइम गूगल में सर्च कर सकते हैं नंबर, 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, फ्री हमने टेली कंसल्टेशन रखी है, इवन जो पेशेंट्स आ रहे हैं अगर कोई पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता उसका फ्री इलाज करेंगे, तो ये सोशल कॉज है, इसके लिए हम बिल्कुल तन मन धन से पूरा प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे भी होगा हम डॉक्टर से। मैं चाहूंगा एक बार आप फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा दें, 7835999444, 7835999555। जी चलिए, हमारे दर्शकों ने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी थे जो कि एलेक्स अस्पताल के चेयरमैन थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो लोगों में डर भी